बैक नाजरीन ब्रेक से वापस आ गए हैं तो आए और भी लोगों से बातें करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? परवा। परवा क्या करती हूँ? मैं घर पर रहती हूँ। सामने देखो, मुझे बताओ घर पर रह के क्या करती हूँ? सिलाई करती हूँ। सिलाई? कपड़े सीती हूँ सारा दिन? जी। अरे वाह, कितने कपड़े सी लेती हूँ दिन में? तीन। तीन जोड़े? जी। अप्रिशिएट भाई। अच्छा, किसने सिखाया सब? मैं गांव से सीख कर आई। गांव से सीख कर आई? अपना यहाँ पे कोई बिजनेस है? नहीं। तो इतने कपड़े किसके लिए सीती हो? मेरी हमारे मतलब मैं ट्रेन आ जाते हैं कपड़े मेरे पास। वही पूछ रहा, बिजनेस है कोई? ओके ठीक है। कि आप हमें बता सकती हैं आप एक सूट का कितना चार्ज करती हैं ताकि आपकी पब्लिसिटी हो, लोग आपको और दें? 400 रुपये। 500? 400 से 500। ट्राउजर्स का और सलवार कमीज का सेम है? जी सेम है। ओके, और कितने दिनों में? एक दिन में मैं 3 सूट सिलाई करती हूं। अभी अगर हम आपको ऑर्डर देता है कोई आके तो आप उसे कितने दिनों बाद देंगी? 2 दिन बाद। 2 दिन बाद। आपका नाम? फरवा। फरवा जी, नाजरीन जो घर बैठी बहुत सारी खवातीन हैं उनको बहुत ज़्यादा इशू होता है कपड़े सिलवाने का, तो उनको मैं एक बहुत अच्छी सजेशन दे रही हूँ। फरवा ना, फरवा जो हैं वो सिलाई करती हैं। प्लीज़ फरवा सामने देखें टीवी में। फरवा जो हैं वो सिलाई करती हैं और एक दिन में वो 3 जोड़े भी सी सकती हैं। तो आप लोग जो हैं वो फरवा से कॉन्टेक्ट करें और हम आपको बता देंगे कैसे, और फरवा से आप जो है वो अपने कपड़े बनवा सकते हैं। 400 से 500 सिलाई है और ये आई थिंक बहुत ही रिजनेबल है और डेफिनेटली बहुत टैलेंटेड भी होगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो हैं वो फरवा से जो है वो सिलाई करवाएं। ठीक है फरवा? ठीक है। और आपने फिर इसके बाद हमें ये भी बता दीजिएगा कि लोग आपसे कैसे, आपको कोई फेसबुक वगैरह है? नहीं। चले वो बनाएं? वो मैं हम लोग नहीं बना सकते। कोई घर में मेल भी नहीं है? नहीं। भाई अबू का नंबर और भाई का नंबर है। भाई का नंबर है जी। चले वो भी दीजिएगा। ठीक है जी। जी ओके। वर्मा मुझे आप ये बता दें, मेरा आपसे सवाल है, इकबाल डे कब होता है आपको पता है? जी लामा इकबाल। लामा इकबाल का दिन कब होता है, मनाया जाता है? सामने देखो, तुम्हें हिला हिला के मैं थक गई हूँ। ओके मुझे ये बता दें आप, इलामा इकबाल की शायरी का पता? शायरी करते थे वो? जी। उनकी ज़्यादातर शायरी किस ज़ुबान में है? उर्दू। अंग्रेज़ी। क्या सुनाओगे? मैं बिरयानी शेयर करूँगी। बिरयानी बनाने के लिए पहले 1 किलो मुर्गी लें और उसमें बिरयानी मसाले का पैकेट डालें, दही डाल के प्याज वगैरह ब्राउन करके उनको दम पे रख दें हल्की आंच पे। फिर चावल उबाल के उनकी नीचे तह लगा कर ऊपर मसाला डालें, नींबू, हरी मिर्च, हरा पुदीना, धनिया डाल के उसको दम करने के लिए रख दें। 15 से 20 मिनट के लिए दम पे रखें। उसके बाद दही में खीरा वगैरह डाल के रायता वगैरह तैयार कर लें। वेरी नाइस। ये ले जी, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। यू वेलकम जी। नाज़रीन बड़ा मज़ा आया मुझे तो इनसे बात करके। बहुत ही जो हैं ये आप कहते हैं ना टैलेंटेड हैं। बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह घर में जो रहती हैं खातून खवातीन वो अपने आप को फजूल बैठ बैठ के मोटा करने की वेट गेन करने की बजाय, इट्स एज मैंने मोटा कह दिया, मतलब वेट गेन करने की बजाय, सुस्त होने की बजाय इस तरह की एक्टिविटीज़ में अपने आप को लगा लेती हैं। क्योंकि बीइंग मैरिड तो आपके बच्चे और हस्बैंड और घर के काम होते हैं, लेकिन अनमैरिड लड़कियां या सारे सोती रहती हैं तो बेहतर है कि वो इस तरह की कुछ ना कोई एक्टिविटी करती रहें, तो इस तरह वो बेहतर अर्न भी कर सकती हैं और एक मुल्क में जो है बेहतर रोल अदा कर सकती हैं। तो ज़रूर ऐसे लोगों से सीखना चाहिए। आपको भी किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? समरीन। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ईमान। बेटा आपका क्या नाम है? अहमद। कौन सी क्लास में? KG 2-4। आप क्या करती हैं? हाउसवाइफ। ओके, सवाल करें आपसे। हाँ जी। मुझे बताएं इलामा इकबाल कब पैदा हुए थे? 1938 में। इंग्लिश में? 1938। नो, इलामा इकबाल। इलामा इकबाल 1938 में कहाँ से पैदा पूछ रहे? 90s में हुए थे ये, आपको श्योर है? 19 में नहीं, खुद ही सोचे ना कब हुए थे। चले जी बेटा आपको पता? नहीं। कौन शरारती है दोनों में से? वो वाला। ओए वो वाले क्यों शरारत करते हो? क्या करते हो शरारत, मुझे भी तो बताओ ना। आई लव शरारती बच्चे। ये शरारत नहीं, ये क्राइम है। बहन को क्यों मारते हो? बहन मारती है किसे? बहुत है, ऊपर नीचे सीढ़ियां। तुम मार पहले ये मारते हो, तुम मारती हो जी।
देर दनादन है जी। क्यूट माशाल्लाह। बच्चों को यही चीज़ें बड़ों की याद आती हैं, तो फन करो बगैर ज़्यादा भी ना मारो। चले जी मुझे बता दें, आपने सवाल का जवाब नहीं आया, क्या शेयर करेंगे आप? रेसिपी आलू चिकन के कटलेट्स। आधा किलो आलू में एक पाव चिकन और नमक, काली मिर्च और थोड़ी सी डरला मिर्चें डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, और हरा धनिया पुदीना डाल के ऊपर मैदा पहले लगाएं और फिर अंडा और फिर ब्रेड क्रम्स लगा के उसको फ्राई कर लें। आपने क्या सुनाना है? पोएम। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू अब सा व्हाट सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट। पिक्चर ले लीजिए जी, ले लीजिएगा जी। बहुत ही प्यारी फैमिली थी, बड़ा मज़ा आया, हमने इनसे बात की। और जी इकबाल डे का तो आपको पता है, और पैदा कब हुए थे ये तो सोचने के, 90s में थे 80s में थे, कुछ तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब क्यों मुझे गुस्सा चढ़ा रहे हैं आप लोग? खैर आज बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो आप देख सकते हैं वो लोगों का रश है, कहीं रश में मैं भी गुम ना हो जाऊँ। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आज यहाँ पर, तो और भी मज़ीद लोगों से बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? आयशा। आयशा मुझे बताओ, मुफक्किरे पाकिस्तान का खिताब अल्लामा इकबाल को मिला था, तो हकीमुल उम्मत का खिताब किसको मिला था? पता नहीं, इतनी मेहनत से मैंने सवाल याद किया। पता नहीं, कोशिश करो। नहीं याद। क्यों नहीं याद? पढ़ती नहीं हो? पढ़ती हूँ। क्या पढ़ाई की है? मिडिल क्लास में पढ़ रही हूँ आगे। मिडिल मतलब? एट। एट में पढ़ रही हैं आप? ओके। चले जी, क्या उम्र आपकी? 14 साल। अच्छा माशाल्लाह, बड़ी लंबी हो गई 14 साल में। ओके, सवाल करें आपसे जी, अभी तो किया है। ओके, क्या सुनाओगी? गुरु रंधव का गाना। हाई नी हाई नखरा तेरा नी रेटेड गब्बरू नु मारे मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिन गिन लग दे हुलारे। ये आपने गाना सुनाया जी? ऐसे गिफ्ट नहीं मिलेगा, कुछ और करो। ये कोई समझ ही नहीं आई मुझे गाने की, कोई रेसिपी एनीथिंग या गाना कोई और सुना दो, या सही से सुनाओ, यही वाला सुना दो। हाई नी हाई नखरा तेरा नी हाई रेटेड गब्बरू नु मारे हाई नी मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिने गिने लक दे हुलारे। वाओ, ओके ठीक हो गया। आफ्रा की तरफ से आपके लिए ब्यूटी प्रोडक्ट, इनको लगाओ और प्यारी हो जाओ, ठीक है? यू वेलकम। बहुत ही प्यारी सी लड़की थी, मुझे तो बहुत प्यारी लग रही थी। आई वॉज वेरी शॉक कि शी वाज ओनली 14, मतलब उसने उसकी हाइट जो है वो बहुत अच्छी है 14 ईयर्स में, और शक्ल पे मासूमियत है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चियाँ 11 साल की होती हैं, मेकअप कर करके अपनी शक्ल से चलाक बिल्लियों जैसी बना लेती हैं, मगर ये जो है बहुत इनोसेंट लग रही थी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा उससे मिलके। इसके और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अमारा। अमारा क्या करती हो? मैं स्टडी करती हूँ। क्या पढ़ती हो? मैं अभी बीए कर रही हूँ। अच्छा जी, मुझे बताएं मॉल से क्या शॉपिंग करने लगी हैं आप? मैं मॉल में देखने आई थी, कुछ सेल वगैरह लगी हूँ। ये मॉल में बहुत ज़्यादा जो है प्रमोशंस लगती हैं, इसलिए हम यहाँ बहुत आते हैं। अच्छा, यहाँ पे सेलें लगती हैं? बहुत प्रमोशंस लगती, सेल्स लगती रहती हैं जी। गुड। सीज़न आ रहा है ना वेडिंग का, तो बहुत ज़्यादा प्रमोशंस आई हुई हैं। वाओ। अच्छा मुझे बताओ, सेल जब लगती है तो मोस्टली कितनी शॉपिंग करती हो? मैं वो जितने पैसे हैं उसके मुताबिक। पैसे कौन देता? अब्बू? हाँ जी अब्बू। अच्छा, कितने मिल जाते हैं तकरीबन तुम्हें? वो जितने डिपेंड करता है शॉपिंग पे कि मैंने कितनी करनी है, क्या चाहिए मुझे। मिल जाते हैं आराम से, बस थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। चलो गुड हो गया। सवाल करते हैं आपसे। हाँ जी, मुझे बताओ अल्लामा इकबाल ने PhD की डिग्री किस मुल्क से हासिल की थी? मुझे नहीं याद। क्यों नहीं याद? लंदन से की होगी। नहीं नहीं, PhD की। PhD मास्टर्स की थी वो। PhD का पूछ रही हूँ। वो नहीं मुझे याद। क्या सुनाऊंगी? मैं कोई टिप देना चाहूँगी। मैं वेडिंग सीज़न आ रहा है और हमारे घर में ख़ुद बहुत सारी शादियाँ आ रही हैं, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि वाइटनिंग के मुतल्लिक बताना चाहूँगी कि बेसन जो होता है उसके अंदर मलाई जो होती है दूध की वो, और लेमन जो है ना वो ऐड करके उसकी पेस्ट बना के वो अपने हाथों पे और अपने फेस पे जो है ना उसके साथ 10-15 मिनट स्क्रब करें, उसके साथ क्लिनजिंग करें,
तो वाइटनिंग फेस होगा और शाइनिंग भी बहुत ज़्यादा आएगी और आपका फेस बहुत फ्रेश लुक देगा जैसे आपका है। अच्छा, पर मैं ये नहीं लगाती, मैं तो बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ, तुम भी पिया करो। आफ्रा की मैं दूंगी ना, आफ्रा की तरफ से तुम्हारे लिए ब्यूटी प्रोडक्ट। इनको भी लगा के और प्यारी हो जाओगी। इनकी आप बहुत प्यारी हैं। बहुत शुक्रिया। मेरा गिफ्ट है, मैं दूंगी, मुझे अच्छा लगता है गिफ्ट देना। अच्छी अक्सर लोग जो हैं वो खुद देना शुरू कर देते हैं क्योंकि आई वांट कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गिफ्ट बांटूं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? हारून। अस्सलाम वालेकुम। क्या करती हैं? हाउस वाइफ। बेबी का नाम? इमान फातिमा। माशाल्लाह बहुत प्यारी। क्या उम्र है इसकी? 1 ईयर। माशाल्लाह। नाम किसने रखा था? मामा। और वो जो कहते हैं गुर्ती किसने दी थी? दादो ने ईमान की पर दादो ने। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी, माशाल्लाह। वाओ, वेरी नाइस, लकी बेबी। चले जी, बहुत अच्छा लगता है जब नानो दादो और आगे उनके भी हों। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले जी, मुझे बताएं आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? 3 ईयर्स। 3 ईयर्स। इनकी एक अच्छी आदत, सबसे अच्छी आदत बताएं? ये झूठ ही बोलते। हारून आप ही सामने देखे टीवी में। ओके, और एक बुरी आदत? बात नहीं मानते। अरे आप भी बताएं, एक अच्छी है एक बुरी? एक अच्छी और बुरी, ये बहुत केयरिंग है, अच्छी में ये है, और ये भी मेरी बात नहीं मानते है बुरी। चले फिर, बच्चा मानेगा या नहीं मानेगा? दोनों ही बातें नहीं मानते, वो भी नहीं मानेगा फिर। चले जी, मुझे बताएं कि अलामा इकबाल ने अपनी पहली किताब किस लैंग्वेज में लिखी थी? फारसी। फारसी। श्योर जी? क्या आपने करें इनके लिए क्या सुनाएंगे? शेर। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। वेरी नाइस। सर आप रेसिपी बता दो। ओके, सूप, चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी बता रही हो। जस्ट पहले चिकन लेना, उसकी स्टॉक बनानी है, उसके अंदर स्टॉक के अंदर जिंजर एंड कैरेट काट के डाल देनी है और थोड़ा सा सॉल्ट। जब वो बॉयल हो जाएगी उसे सॉक कर लेना है एंड जब उसे स्पिनर्स कर लेना है, छान लेना है, और उसके बाद उसमें थोड़े से कॉर्नफ्लावर एंड चिकन के चंक्स एंड में डालने हैं और उसे पकाना है। सोया सॉस एंड सिरका, विनेगर, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर एंड चिकन बाद में ऐड करना है। जब वो थिक हो जाएगा उसके अंदर एग ऐड करके वो फिनिश यानी कि बन जाएगा। वेरी नाइस, आपने सही जवाब दिया था। तो आपके लिए लाहौर न्यूज़ की तरफ से गिफ्ट और आपके लिए आफ्रा की तरफ से ब्यूटी प्रोडक्ट्स। सो मच, यू वेलकम जी। बहुत प्यारी फैमिली थी और जवाब सही मिला तो मैं खुश हो गई और मैंने 2 गिफ्ट दे दिए, क्योंकि एटलीस्ट जवाब तो सही देना। आप लोग बहुत कम लोग हैं जो सही जवाब देते हैं, कोशिश किए बगैर ही हमें नहीं पता। भाई आप कोशिश ही नहीं करें तो आपको कैसे पता चलेगा? और अलामा इकबाल के बारे में जितनी भी बातें हैं वो तो बहुत आसान हैं क्योंकि हमने उनके बारे में बचपन से लेके अब तक पढ़ते आ रहे हैं। तो प्लीज़ अपने लेजेंड्स को मत भूलें, किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? किशोर सुल्ताना। आपका नाम? सुबिया उस्मान। आपका नाम बेटा? गिवा उस्मान। और बेबी का नाम? अजान उस्मान। माशाल्लाह आपकी आईज बड़ी प्यारी है। थैंक यू। अच्छा आपके किस पे गई मामा पापा, किस पे गई आपकी आई? बाबा पे। बाबा पे गई। ओके जी, मुझे बताएं आपकी बेटी है या बहू? बहू है मेरी। बहू है। कितनी बनती है आपस, सच बताइए? बहुत अच्छी। माशाल्लाह। आपकी बहू की कोई खासियत बताएं जो आपको लगती हो बहुत ज्यादा है? बस ये अपनी बात दिल में नहीं रखती, जो कहना वो कह देती है। ओके, और आप भी अपनी बताएं? ये बहुत ख्याल रखती है सबका, सबका बहुत करती है। वेरी नाइस, माशाल्लाह। चले मुझे बताएं अलामा इकबाल ने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की थी? सियालकोट से। श्योर? यस। क्लैपिंग करें इनके लिए। ओके, आप क्या शेयर करेंगे? मैं ये शेयर करूँगी कि हमें हर किसी के साथ हमेशा अच्छी बातें, हर किसी के साथ अच्छी सलूक करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है लेकिन अच्छी यादें ख़त्म नहीं होती। बहुत अच्छी बात है। और आप? मैं सूफले की रेसिपी शेयर करना चाहूँगी। हाँ ठीक है, हम लोग पहले मैंगो लें, उसको कट कर दें पीसीस के अंदर, उसके बाद पाइनएप्पल ऐड कर लें अंदर, और क्रीम लेके उसके अंदर आप कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे और फ्रूट्स डाल दें और उसको फ्रीजर में रख दें। ऐसा बनाती हैं खाना ये? बहुत अच्छा। अरे वाह। और आपने क्या सुनाना है बेटा? सुनाए
Johnny, Johnny, the papa, eating sugar, na papa, telling her, na papa, apne ma, ha, ha. So very nice. ये ले जी आफ्रा की तरफ से आप लोगों के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स, बहुत शुक्रिया जी। बहुत प्यारी फैमिली थी। अच्छा, और इन ये इन्होंने बताया कि बहुत हैप्पी फैमिली है। मैं आपको बताऊं, जब तक बड़े बड़े नहीं बनते जो है घर नहीं बनते, बड़ों को बड़ा बनना पड़ता है। अगर हम छोटों से हर वक्त कंप्लेन करते रहेंगे तो वो तो उनके पास बहुत अच्छा लॉजिक है, वो तो अभी छोटे हैं, उनको ज़िंदगी का एक्सपीरियंस नहीं है, उनको कुछ नहीं पता। लेकिन जो बड़े होते हैं उनको एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो गुजार ली होती है। एक लड़की पहले बहू बन बेटी होती है, बहू बनती है, सास बनती है, माँ बनती है। तो जब तक आप बड़े हो जाए आपको एक्सपीरियंस होता है, तो छोटों पे वो कहते हैं ना हथौला रखना चाहिए, उनको जो है बात बात पे पिन पॉइंट नहीं करना चाहिए, किसी और से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इजाज़ अली। आपका नाम? ईमान। क्या करती हैं? मैं पढ़ती हूँ। क्या पढ़ती हैं? सेवन क्लास में। आप क्या करते हैं? मैं पुलिस में जॉब करता हूँ। पुलिस में? वाओ, क्या है आप? मैं सब इंस्पेक्टर। अरे वाह, तो घर में रोब जिताते? नहीं नहीं, पढ़ती हैं, सुननी पढ़ती हैं। अरे वाह, घर में आपकी वाइफ की चलती है? चलती बढ़ती चलाती है, हर जगह चलती है। आपकी भी घर में चलती है? जाहिर बात है, हर जगह चलती है। चले जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। ओके, मुझे बताएं बीइंग इन पुलिस कैसा एक्सपीरियंस है? वर्स्ट है, डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा हार्ड है, ड्यूटी और बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। और बिल्कुल केयर लेस है डिपार्टमेंट हमारा, हमारे ऑफिसर सब बिल्कुल केयर नहीं करते, ठीक है ना। बस ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, आने का माहौल नहीं है, ठीक है ना। मैं तो यही कहूँगा। वेरी नाइस, तो इसको ठीक होना चाहिए ना? हाँ, इसको ठीक होना चाहिए डेफिनेटली। आप बगैर रिश्वत के, करप्शन के आपको गुजारा करना चाहिए, आपको रहना सर्वाइव करना चाहिए, और मेरा ख्याल है ये सर्वाइव नहीं कर पा रहे हम लोग। ठीक, ओवरऑल डिपार्टमेंट के अपना सिस्टम ही ठीक नहीं है। जाहिर बात है, इसके ऊपर भी एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जो इनको प्रॉपर चेक करे। जाहिर सी बात है। वेरी नाइस, बिल्कुल। चले जी, आप जैसे ऑफिसर हैं इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाएगा। ओके, सवाल करते हैं। मुझे बताएं इकबाल डे कब होता है, आपको पता? 9 नवंबर को। मुझे बताएं इकबाल ने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? सियालकोट। मेरे को सियालकोट। हाँ बताओ। सियालकोट। क्लैपिंग करें इनके लिए। क्लैपिंग करें, सही जवाब दिया आपने। क्या शेयर करें? हाँ, सुनाएंगे। सुनाऊंगा इलामा इकबाल का शेर ही सुनाऊंगा, इकबाल डे के हॉल पे। तेरा तारीख अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। वेरी नाइस। सर आप? इकबाल तेरे इश्क ने सब बल दिए निकाल, इकबाल तेरे इश्क ने सब बल दिए निकाल, मुद्दत से आरजू थी कि सीधा करे करे। वेरी नाइस। लाहौर न्यूज की तरफ से आप लोगों के लिए गए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। बहुत प्यारी फैमिली थी, और ही इज इन पुलिस, और वो बता रहे हैं कि आजकल जो डिपार्टमेंट में हो रहा है, तो मैं कह रही हूँ कि इमरान खान साहब, तब्दीली तो आप लाएं, मगर हमारे सिस्टम में ज़रूर फोकस करें, पुलिस डिपार्टमेंट पे बहुत फोकस करें, वहाँ के जो लोग हैं उनको जो है वो ठीक करें। उनके ऊपर भी एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जो उनको चेक करे, क्योंकि आम आवाम ने तो आपके पास नहीं आना ना, आप तक तो कोई नहीं उनको पहुँचने देगा, वो आम आवाम कहाँ जाएगी? आम आवाम ने पुलिस के पास ही जाना है, तो पुलिस शुड बी वेरी नाइस। जी नाज़रीन, टाइम हो गया है एक ब्रेक का, सो लेट्स हैव अ ब्रेक।